झूले से उठ के आके बोली ना, नहीं अकबर और ऐसी साहब आप तकरीर में मैं वो अगर मुसलमान नहीं है तो सब औला हो गया नहीं हुआ। अब हमारे हबीब साहब ताजिर तिजारत के गुण तिजारत के रास्ते उनको मानो। अब मैं उनको बोलूंगा नहीं हबीब साहब तिजारत मैं करता हूं, सियासत आप करो तो सियासत भी यहूदी हो गई तिजारत भी नहीं होगी। मैं मिसाल दे रहा हूं, अब एक वकील है, वकालत करना बेकसूर साबित करना मुकदमा जीतना उसका काम। एक डॉक्टर बीमार का इलाज ढूंढना इलाज करना उसको सहकिया करना। अब वकील बोल रहे हैं नहीं डॉक्टर साहब इलाज मैं करूंगा, और डॉक्टर बोल रहे नहीं वकील साहब मुकदमा मैं लड़ूंगा, तो मुकदमा भी हो रहा वो बीमार का इलाज भी पूरा। सही है ना, सहाफत भी जिसको आती है वो सहाफत करेगा, जिसको तिजारत आती है वो तिजारत करेगा। अब मैं बोल रहा हूं नहीं मैं सियासत के साथ साथ सहाफत भी करूंगा, मटी हुए सहाफत सियासत भी। अब आप जैसे उलमा है अल्लाह ने दीन से लगा, अल्लाह ने इल्म के जरिए गुमराह नौजवानों को गुमराह लोगों को राह रास्त पर ला, वो अल्लाह ने आपका कहा इल्म के जरिए अल्लाह ने नौजवान में तासीर। अगर कोई और एक गुनेगार आके बोल रहा है नहीं मैं आलिम साहब नहीं अब मैं करूंगा, आप और करो मेरे भाई। हम जो तबाह हो रही है बर्बाद हो रही है इसलिए हो रही है कि थोड़ा इल्म क्या आ गया उन्हें हरफन मौला मिल गया, थोड़ी काबिलियत क्या आ गई हरफन मौला, थोड़ी दौलत क्या आ गई हरफन मौला, थोड़ा इल्म क्या आ गया हरफन मौला। क्या अरे छोड़ो तिजारत आती सियासत आती बिजनेस आता सनत आता इलाज आता वकालत आती। अल्लाह महफूज रखे ऐसे पढ़े लिखे जाहिल से, अल्लाह महफूज पढ़े लिखे जाहिलों से कह रहा हूं, जहालत की निशानी है। तो हर किसी को काम करना है, दीन के मैदान में अल्लाह आपसे काम ले रहा है, आपका तावन हम करेंगे, आपका साथ हम देंगे, आप आगे रहिए पीछे पीछे हम रहेंगे, दीन का आगे बढ़ना। अल्लाह सियासत से हमसे काम ले रहा है, हम साथ रहेंगे और आपको हमारे पीछे खड़े देने को नहीं कह रहा हूं मैं, बात खड़े रहिए आप हम मिलेंगे आगे। तनकीद बराए तामीर होनी चाहिए, तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं भी इंसान बश हूं, मैं तालीम का माहिर नहीं हूं ना महसूस तालीम याफ्ता हूं, मैं 12वीं पास हूं मैं तालीम याफ्ता नहीं हूं, मैं ग्रेजुएट भी नहीं हूं, मैं कोई मास्टर्स भी नहीं हूं, मैं कोई डॉक्टर भी नहीं हूं, मैं इंजीनियर नहीं हूं, मैं तालीम का माहिर नहीं हूं, लेकिन इल्म हासिल नहीं कर पाने की जो खौफ और मनाव मुझे है उसका एहसास मुझे मजबूर करता है बार बार ऐसी इमारतों को बनाकर इल्म के जोर से अपनी खौफ को आरास्ता करते हुए उनके रोशन मुस्तकबिल की जमानत। शायद अल्लाह ने मुझे तालीम इसलिए नहीं दी कि मैं हजारों को तालीम दे सकूं, अल्लाह की मंसूबे अल्लाह वाले अल्लाह के फैसले अल्लाह वाले, लेकिन अल्लाह ने इस ना तजुर्बे का इंटरमीडिएट पास से इतना काम ले कोई मामूली काम नहीं। और शायद आप नहीं ना आप लोग मजहबी लोग हैं इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे भी कह रहा हूं साहब हर क्लास में दो दो तीन तीन बच्चे रहते हैं जिनको खुदा सलाहियत से अल्लाह नवाजता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि जीनियस होते हैं,
स्कूलों में नर्सरी एलकेजी यूकेजी फर्स्ट सेकंड में सब अच्छे बच्चों की निशानदेही की जो जीनियस होते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 500 बच्चों की निशानदेही हमने की और उन 500 बच्चों को उन जीनियस को इंटेलिजेंट अक्लमंद बच्चों को हम क्या कर रहे हैं, तीसरी जमात में जैसे वो आएगा तीसरी जमात मुकम्मिल करेगा तो उसके साथ साथ वो हाफिज कुरान भी हो जाएगा, कुरान अपने सीने में। ये काम भी हो रहा है इंशाल्लाह 2 बरस में हर साल 500 हुफाज हमारे इदारों से निकलेंगे जिनके सीने में अल्लाह का कलाम। ये काम करीब 2 लाख खवातीन को हमने ट्रेनिंग दी, 2 लाख खवातीन स्पोकन इंग्लिश कंप्यूटर क्लासेस स्विमिंग के क्लासेस, फिर उसके बाद में मेहंदी डिजाइनिंग ब्यूटी पार्लर के ऐसी चीजें जिसके जरिए हमारी खवातीन किसी के पास जाके हाथ फैलाए बगैर, और माशरे में बुराइयां इतनी फैल चुकी है कि बुराई के रास्ते पे जाने के बजाय हम उनको हुनर के जरिए इस काबिल बना रहे हैं कि अपने पैरों पर खड़े होकर अगर शोहर छोड़ देता है या शोहर का इंतकाल हो गया है तो किसी के सामने हमारी बेटी हमारी बहन हमारी माँ हाथ फैलाए मांगे नहीं, या किसी के घर में झाड़ू या बर्तन न मांगे, बस अपने हुनर के जरिए अपने पैरों पर खड़े होकर हलाल की कमाई के जरिए अपनी औलाद और अपने घर की परवरिश करे चला। ये हमारा प्रोग्राम इस तरीके से हम काम करते हैं, और काम आसान नहीं होता, काम बड़ा मुश्किल होता। आपको सुन के हैरत होगी कि हमारे पास 700 टीचर्स हैं, 700 टीचर्स, और उसके बाद में झाड़ू देने वाले पोछने वाले, ये तो 5,834 रुपया जो खर्च हुआ इसके बाद होता है, उनकी तैनात 27,08,600,000,000,000। 27 लाख, अरे बता दो, आज जो लोग कहते हैं कि मजलिस ने क्या किया, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अरे ऐसा काम ऐसा कारनामा 9 बरस में 27,08,600,000,000 बच्चों को रियासती हुकूमत ने मुसलमानों को किसी भी रियासत में तालीम दी है या तालीम पे खर्चा है क्या बताऊ सिवाय तेलंगाना। ये मौसम नुमाइंदगी का नतीजा है। मैं बताना यह चाहता हूं कि खड़े रह के जज्बाती बातें करना, अपने खिलाफ के सैलाब में बहाकर जज्बाती नारे लगवा देना, ये नहीं है। हम को बेदार करने के लिए जज्बाती नारों की जरूरत है, बेशक हम के मतलब से उनको जगाने के लिए जज्बाती तहरीर की जरूरत है, अपने हक को लड़ने के लिए हम की बेदारी के लिए जज्बात की जरूरत है, लेकिन वो जो उठे हुए जज्बात को मंजिल मकसूद को पहुंचाने के लिए जज्बात की नहीं होशमंदी व सब्र की जरूरत होती है, तो हम अपनी हौम की बेदारी के लिए जज्बात का इस्तेमाल करते हैं, और बेदार हौम की मंजिल को हासिल करने के लिए हम जज्बात से नहीं होशमंदी के साथ आगे बढ़ते हुए अपने मकसद को हासिल। यही है वो निशानी, दुनिया जानती है और दुनिया ये भी समझती है कि अगर वो ऐसी जज्बाती है, बेशक मैं जज्बाती हूं, जज्बाती तारीफ करता हूं, लेकिन जिंदगी के फैसले जज्बाती अंदाज में लेने वाले का नाम बनती हो ऐसी नहीं, क्योंकि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कौम की, कौम की रहनुमाई की जिम्मेदारी, कौम के व्यवहार की जिम्मेदारी, कौम की खुशहाली की जिम्मेदारी है, कौम की हिफाजत की जिम्मेदारी, कौम की तहफ्फुज़ की जिम्मेदारी है, कौम के आने वाले नस्ल के रोशन मुस्तकबिल की जिम्मेदारी है, और ये जिम्मेदारियां जज्बात से नहीं निभाए जाते,
ये जिम्मेदारियां होशमंदी के साथ निभाएगा। और आज लोग इल्जाम लगाते हैं कि आज इन पे ये मुसीबत आती, इन पे वो मुसीबत आती, इन पे ये होता, उन पे वो होता, लेकिन इनके ऊपर नहीं होता। यही बात इल्जाम है। अरे अहबाबों, जिनके पास कुछ नहीं है लुटने के लिए, उनके अंदाज जिंदगी कुछ और होते हैं। जिनके पास बहुत कुछ है मिल्लत का साथ, उसकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी के लिए जरूरी होता है कि हम दूरंदेशी के साथ, समझदारी के साथ आगे बढ़े। यहां दो तस्वीर हैं, अब्दुल वाहिद ओवैसी की और इनके बाबू सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी। आवाम की खिदमत की तो आवाम ने फख्र मिल्लत का खिताब दिया, आवाम के लिए कुर्बान हुए तो आवाम ने सालार मिल्लत का खिताब दिया। दो नस्ल मिल गए, तीसरी नस्ल भी अब खत्म हो जाएगी आज ने कल। तीन नस्लों की मेहनत का नतीजा है कि ये असासे बने हैं, ये मेडिकल इंजीनियरिंग एमबीए एमसीए ओएसी हॉस्पिटल असरा हॉस्पिटल दारू सलाम ये सब कुछ है। क्या हम जल्दबाजी फैसले लेकर तीन नस्ल की मेहनत को यू ही मारेगा